हे फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरा वीडियो देखते रहें। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोग से बात करने वाली हूँ कि मैं अपने नानी घर रहती थी और नानी घर क्यों रहती थी वो भी बताने वाली हूँ। मैं जब बहुत छोटी थी तभी से नानी के यहाँ रहती थी। छोटी क्या, मेरा जन्म भी नानी के यहाँ ही हुआ था, तो समझिए कि जैसे मतलब जन्म हुआ वैसे मैं नानी के यहाँ रह ही गई थी कुछ दिन, पालने पोसने के भी उसे, और फिर मतलब कुछ दिन ऐसे। तो वहाँ रहने का मेरा कारण था कि मेरे गांव में स्कूल नहीं था, मतलब मेरा जहाँ घर हुआ वहाँ पे स्कूल नहीं था और मेरे नानी के यहाँ स्कूल था। तो इसीलिए मैं नानी के यहाँ रहती थी पढ़ने के लिए कि मैं अगर अपने गांव पे रहूंगी तो मेरा पढ़ाई नहीं हो पाएगा और यहाँ रहूंगी तो मैं पढ़ लूंगी। तो मैं पढ़ने के लिए नानी के यहाँ रहती थी। ऐसे तो ऑप्शन था, पापा के पास ऑप्शन था हम लोग को, मतलब बाहर इन लोग को तो मिलता ही है, फॉर्म वगैरह मिलता है बच्चों को पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता। और ये चीज मेरे दादाजी जो थे उनको पसंद नहीं था कि हम लोग बाहर जाके पढ़ाई करें, मतलब जैसे वो पहले थोड़ा पहले का आदमी थे, वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम मतलब पहले के दादाजी कैसे हाव भाव के होते थे, उन लोग का सोच ही बहुत अलग होता था। तो यही कारण से हम बाहर नहीं जा पाए थे कि दादाजी बोले कि नहीं, मेरे घर की लड़की घर से बाहर पढ़ाई करने नहीं जाएगी, आज तक कोई गया नहीं है जो ये भी नहीं जाएगी। तो इसीलिए मैं बाहर जाके पढ़ाई नहीं की थी। तो इसी वजह से हम अपने नानी के यहाँ ही रहते थे ताकि मैं कुछ पढ़ सकूँ, कुछ जान सकूँ। और यही कारण था जो नानी को मुझसे कुछ ज्यादा लगाव भी था। मेरी नानी मुझे बहुत ज्यादा ही मानती थी, उन्हीं के पास मैं रहती ही थी, तो जैसे आदमी माँ से प्यार करता है मैं वैसे ही नानी से प्यार करती थी। कुछ घटती बढ़ती जो भी कुछ होता था मैं नानी से ही बोलती थी, मामी वगैरह से उतना नहीं बोलती थी, जो भी बोलना होता था मैं नानी से ही बोलती थी। तो इसीलिए नानी को मुझसे ज्यादा लगाव था और मुझे भी नानी से कुछ ज्यादा लगाव था। तो यही कारण था फ्रेंड जो मैं नानी के यहाँ रहती थी। और ऐसा नहीं था कि गांव में ही स्कूल था, मतलब गांव में स्कूल था पर सरकारी स्कूल था, गवर्नमेंट वाला, जो आप लोग को पता ही होगा कि उस स्कूल में कितना पढ़ाई होता है। और 6 तक प्राइवेट भी था, तो मैं 5 तक प्राइवेट था। तो 5 तक तो मैं गांव में ही गई थी पढ़ने और उसके बाद गांव से बाहर जाना पड़ता था। तब तो ये था कि वहां पढ़ने का साधन था, मेरे गांव में वो भी नहीं था, सीधे एकदम रफीगंज जाना पड़ता था, जो कि हम लोग को अलाव नहीं था कि अकेले मैं रफीगंज जा सकूं। तो और वहां से मतलब जहाँ मेरी नानी घर है वहां से काफी लोग जाते थे पढ़ने, जहाँ मैं जाती थी वहां काफी लोग जाते थे, तो साथ में मैं भी जाती थी। तो फ्रेंड यही बात था कि मैं नानी के यहाँ रहती थी पढ़ाई के लिए और वहां से मैं जब मैट्रिक एग्जाम दे दी थी तो फिर मैं अपने गांव आई थी। और फिर मतलब गांव में मैं रही, गांव में मैं तो ज्यादा दिन तक नहीं रही थी क्योंकि जैसे ही मैं मैट्रिक पास की उसके कुछ दिन बाद ही मेरा शादी हो गया था, तो मैं अपने ससुराल चली आई थी। तो मैं अपने गांव में बहुत कम से कम समय दी हूँ, तब बहुत कम उतना नहीं, और नानी के यहाँ मैं ज्यादा समय दी हूँ। पहले मुझे ऐसा लगता था कि नानी के यहाँ ही मेरा अपना घर है,
यही मुझे बताना था, क्योंकि मैं उस दिन ब्लॉग में बोली थी मैं नानी के यहाँ क्यों रहती हूँ, मैं आप लोग को ब्लॉग के द्वारा बताऊंगी, तो सो मैं बता दी। तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर, और अगर और कुछ जानना है आप लोग को तो भी बताइएगा, मैं बताऊंगी। मैं अपने बारे में अगर आप लोग को मेरा जीवनी जानना हो तो भी बताऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सभी को श्री शिवाय, नमस्ते।